रायगढ़ रोजगार सहायक संघ के सदस्य तीन सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनका कहना है कि लंबे समय से ये नियमितीकरण, वेतन बढ़ोतरी समेत तीन सूत्री मांग कर रहे हैं, पर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। विधानसभा चुनाव के पहले रायपुर में वर्तमान मंत्री केएस सिंहदेव ने खुद आकर कहा था कि सरकार बनने पर इनकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, पर कांग्रेस सरकार बने 2 साल होने के बाद भी इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी इनकी हड़ताल जारी रहेगी। 30 दिसंबर 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होगी तब तक हड़ताल हमारे चलता रहेगा। ये क्रांति आह्वान का वो है हमारे छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ का क्रांति आह्वान के तौर पर हम जैसे अभी तो आज से चालू किए हैं, ये हमारी मांगे जब तक अभी पूरी नहीं होती तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन तक बैठे हैं।